अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदर पाल सिंह को फोन पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। गंभीर व आश्चर्यजनक बात यह भी है कि कथित रूप से मारने की धमकी देने वाले बदमाश ने खुद ही फोन करके पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को सुपारी लेने की बात कही है, जिस कारण मामला प्रथम दृष्टया संदेह के दायरे में आ गया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस प्रकरण में सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब आगे का काम पुलिस का है कि वह इस प्रकरण को किस तरह लेती है। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदर पाल सिंह। मैं पहले मेरठ का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं, वर्तमान में खोपड़ी बैंक का चेयरमैन हूं। कल रात अचानक 9:05 पर एक कॉल आई, 12 सेकंड में डिस्कनेक्ट हो गई। दोबारा 9:07 पर कॉल आई और उन्होंने कोई अपना उद्देश्य व्यक्त नहीं कहा। कहा कि मैं तिहाड़ जेल से अभी छुटकर आया हूँ, चंद्रपाल गुजर हूँ और आपकी हत्या करना चाहता हूँ। मुझे 2 करोड़ रुपए की सुपारी आपको मारने के लिए मिली है और मैं हर हाल में हत्या करूँगा। मैंने बड़े सम्मान के साथ कहा, आपका स्वागत है, आइए। आप कैसे जानते हो कि मैं राकू दोराले का दोस्त हूँ और हर हाल में आपकी हत्या करनी है। फिर फोन कट गया। तो लगभग 20-25 मिनट बाद लगभग 9:29 पे फिर फोन आया, तो उस पर भी यही कहता रहा। मतलब उसने कोई अपना उद्देश्य नहीं बताया कि किस कारण वो हत्या करना चाहता है और क्या 2 करोड़ रुपए ले रखे, इसलिए मैं हत्या करना चाहता हूँ। और 4 बार फोन आए, 4 बार उसने अपना विषय यही दोहराया, उसके सिवा उसने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा मैं हर हाल में आपकी हत्या करूँगा। मैंने SSP साहब को फोन किया और जो अपना क्षेत्र का इंस्पेक्टर दोरा पल्लवपुरम लगता है थाना, पल्लवपुरम फोन किया, इस फोन नंबर को ट्रेस करिए, देखिए मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए। अब इस मामले को 2-3 चीज़ें हैं। एक तो राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोग अंदर खाने रूप से जो सामने नहीं आता, विरोधी होते हैं, उनके मन में भी कई भाव होते हैं। कई बार आदमी अवसर तलाशता है और उसके अवसर के सामने हम आ जाते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि भाई हमारा जो भविष्य आगे चलना था उसमें कई पत्थर ये बन गए। तो आदमी सामने तो कहता नहीं, राजनीतिक रूप से अंदर उसके मन में भाव होता है। दूसरी बात, सिवाल खास विधानसभा से मैं पिछली बार भी मेरा टिकट होते होते रह गया था, इस बार भी मैं लड़ना चाहता हूँ। तो उस विधानसभा में दुनिया भर के अपराधी भरे पड़े हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि किसने फ़ोन किया, ये मैं तो नहीं कह सकता। अध्यक्ष को अवगत करा दिया, हमारे जो वर्तमान में क्षेत्रीय सांसद हैं राजेंद्र वाल जी, उनका स्वयं फ़ोन आया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा और उन्होंने कहा कि मैं SSP से बात करूँगा। जिला अध्यक्ष जो अपने विमल शर्मा जी है, उनको मैंने स्वयं अवगत करा दिया है। पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज राठी जी भी इस समय आए थे और क्षेत्रीय गणमान्य लोग ईसों की संख्या में सुबह से आ चुके हैं। आगे विषय पार्टी देखेगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, पुलिस देखेगी। इस बारे में SP सिटी विनीत भटनागर ने यह कहा। देखिए, एक सामाजिक व्यक्ति है, थाना पल्लवपुरम का ये मैटर है, सामाजिक व्यक्ति जो कि एक वेल नोन पर्सन है, उनके द्वारा एक तरही दी गई है थाने में, जिसमें बताया गया कि किसी व्यक्ति ने उनको फोन किया और उसने कहा कि उनको क्षति पहुंचाने के लिए, उनको मारने के लिए इस व्यक्ति को पैसा दिया गया है, यही बात उसने बताई है। इसके आधार पर समुचित धारों में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। जिस व्यक्ति ने इनको फोन किया है उसके द्वारा ही कथित रूप से ये बात इनसे कही गई है कि उस व्यक्ति को किसी के द्वारा ऐसा धनराशि दी गई है इनको मारने की। तो अब ये इसकी गहराई में जब जाएंगे तब इसका असली निहितार्थ समझ में आएगा, जब हम लोग इसके बारे में पूरी जांच कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ी अप्रत्याशित तरह की घटना है और जिसमें एक व्यक्ति जिसको कथित रूप से किसी को मारने के लिए सुपारी दिया जाना बताया जा रहा है, स्वयं फोन करके इनको बता रहा है कि उसको किसी व्यक्ति के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है मारने की। तो इसमें पुलिस ने जो है इसकी गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया है, विवेचना की जा रही है और हर संभव जो हमारे पास माध्यम है उसके माध्यमों से हम इस व्यक्ति का पता लगाएंगे और जल्दी से जल्दी उसको कानून के पीछे पहुंचाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।